चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। एक अपना नया टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी और यूनिट नंबर चल रहा है 2। टैबलेट की बात चल रही थी और इसका आज यूनिट नंबर 2 का ये आखिरी लेक्चर है। इस आखिरी लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का टैबलेट इवेल्युएशन टेस्ट। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में कोटिंग नहीं है, पैकिंग नहीं है, तो टैबलेट इवेल्युएशन जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में, थ्योरी एग्जाम में ये लगभग हर साल आने वाला है और इसमें से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी बनते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल के एसीएम ट्यूटोरियल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबलेट इवेल्युएशन टेस्ट? इवेल्युएशन आप समझते हैं ना, जांच पड़ताल करना। जैसे आप मान लीजिए कि खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, जब बनने से पहले परोसने से पहले आप थोड़ा सा चेक करते हैं नमक कैसा है, मिर्च कैसा है, मसाला कैसा है, पका है कि नहीं पका है, ये क्या है, वो इवेल्युएशन। उसी तरह से टैबलेट को बनने के बाद, टैबलेट को मार्केट में भेजने से पहले हम उसका जो इंटरनल स्टडी करते हैं उसके लिए, उसके बाद अपने फैक्ट्री के अंदर ही उसकी जो जो जांच पड़ताल करते हैं कि वो पूरी तरह से परफेक्ट है कि नहीं है, मार्केट जाने लायक है कि नहीं है, उसी को टैबलेट इवेल्युएशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो टैबलेट इवेल्युएशन टेस्ट कौन कौन से है ना कि नाम जान लेते हैं। जनरल अपीयरेंस, साइज एंड शेप, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रायबिलिटी, थिकनेस एंड डायमीटर, हार्डनेस, क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन। ये कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे और बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बात करेंगे हम लोग, हमारा है जनरल अपीयरेंस, हम इस पे बात करेंगे। नंबर वन, दिस इज द जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस आपको नाम से ही लग रहा है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि आपको पता हो व्हाट इज द बीपीआर। बीपीआर क्या होता है? एक होता है एक मोटी सी फाइल होती है जिसे बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड या बीएमआर कहते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। जब भी आप किसी फैक्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं तो आप इसको सिर्फ उस तरह से मत पढ़िए कि आपको एग्जाम देना है, आप समझिए आपको फ्यूचर में अगर प्रोडक्शन में काम करना है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो जैसे ही प्रोडक्शन में टैबलेट बनना है तो टैबलेट स्टार्ट कहां से होता है? ग्रेनुलेशन से। रॉ मटेरियल से इशू होगा, फिर ग्रेनुलेशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर बनाना रखाना करते 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 लास्ट में इस स्टेज पे आओगी इवेल्युएशन का। तो उसमें क्या होता है, बीएमआर होता है, मोटी सी डेट शीट होती है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, लिखा जाता है कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए और इसका साइज कितना होना चाहिए, शेप कितना होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, यानी सारी चीजें उस बीएमआर पे लिखी होती है, कितना होना चाहिए और कितना इसकी है वो भी आपको उसमें लिखना होता है। और उसमें आपके जिस बैच का आप टैबलेट बना रहे हैं उस टैबलेट की एक्चुअल बनी हुई पहले जो बैच है उसकी करीब 30 गोलियां एक आपके पेपर पे, मतलब आपके पॉलिथीन बैग में ट्रांसपेरेंट में पैक करके आपके बीपीआर ऊपर लगा दी जाती है ताकि जब केमिस्ट उसको बनाए तो उसको देखता जाए कि ये एक्चुअल में कैसा था। कभी कभी क्या होता है कि अगर वो टैबलेट ऊपर से नहीं लगी है, वो टैबलेट मान लीजिए राउंडेड थी, ये टैबलेट क्या थी, राउंडेड थी और बीपीआर में मेंशन नहीं था और वो टैबलेट नहीं लगी थी और जब गया कंप्रेशन के लिए तो ऑपरेटर ने मशीन लगा दिया ये वाला मशीन लगा दिया जो ओवल वाला और लगा के पूरा टैबलेट बना दिया। मालूम चला भैया ऑर्डर इसका आया था, बना कौन सा दिया, इसका टैबलेट खराब नहीं है लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर तो इसका आया था। इसीलिए उसमें क्या होता है कि प्रॉपरली क्या होता है उसमें 300 टैबलेट्स होती है, 30 टैबलेट्स वो स्टेपल कर दिया जाती है ट्रांसपेरेंट पन्नी में ताकि ऑपरेटर देखता रहे। तो अब हमारी बात जो पहला है जनरल अपीयरेंस, यानी कि सबसे पहले जनरल अपीयरेंस में जो हमारा स्टैंडर्ड टैबलेट है जो पहले से अवेलेबल है उसके साथ उसके अपीयरेंस को मैच करना इज कॉल्ड जनरल अपीयरेंस। कि अब जनरल अपीयरेंस में कैसे क्या क्या आता है अगर हम इसको समझे तो सबसे पहले बार वो टैबलेट का कलर क्या है, क्या वो कलर मैच कर रहा है, पता चला वो रेड था वो ब्लू बना दिया तुमने, येलो बना दिया। ठीक है, कलर के बाद उसका शेप कैसा है। अब शेप आप देखते हैं कि सर्कुलर होता है, ओवल होता है, रेडियस होता है, अलग अलग साइज की टैबलेट आती है तो उसका शेप कैसा है। दूसरी बात उसकी साइज क्या है, ठीक है, ये सब चीजें, उसका वेट क्या है, कितना भारी है। भाई मान लीजिए टैबलेट बनाना था 250 mg का, अब बना दिया 500 mg का। तो ये सब चीजें क्या होती है कि अपने स्टैंडर्ड यानी कि जो टैबलेट हमको एक्चुअल बनाना था उस एक्चुअल स्टैंडर्ड टैबलेट से हम कुछ कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल अपीयरेंस। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस में हम क्या अगर लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं कि द आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स द जनरल अपीयरेंस प्रॉपर्टीज लाइक उसका कलर, शेप, साइज एंड वेट इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल स्टैंडर्ड टैबलेट, दिस इज कॉल्ड जनरल अपीयरेंस टेस्ट। अगर सब कुछ ठीक है, हमने चेक किया, हाँ कलर ओके, शेप ओके, साइज ओके, वेट ओके, आगे बढ़ाओ, मतलब टैबलेट हमारा पास है। ये सब चीजें चेकलिस्ट बना के क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं।
अब उसी में आता है साइज एंड शेप। तो साइज एंड शेप किसका पार्ट है? वो जनरल अपीयरेंस का ही पार्ट है साइज एंड शेप। ठीक है, किस साइज का है, किस शेप का है, ये सब चेक करना किसका पार्ट हमारे जनरल अपीयरेंस में आता है, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे बात करते हैं तीसरा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, जिसको हम तीसरा मान रहे हैं, ये दूसरा है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए ये दो वर्ड्स मिलकर बना है ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है, ऑर्गेनो मतलब होता है सेंसरी ऑर्गेन और लेप्टिक मींस होता है लवर, जो सेंसरी ऑर्गेन को अच्छा लगे उस प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सिर्फ कलर आता है, टेस्ट आता है, ऑर्डर आता है मतलब उसकी महक कैसी है। ठीक है, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्मूथनेस आती है, उसकी टच की बात करते हैं कि कितना उसका स्मूथ है, चिकना है कि खुरदुरा है, और क्या रहेगा। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही चीजें हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, इसकी कलर क्या प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कलर उसकी मोटली हो गई है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, क्या प्रॉपर यूनिफॉर्म टैबलेट में कलर है कि नहीं कलर है, ये देखना। टेस्ट उसको हल्का टेस्ट करना है, टैबलेट का एक्चुअल टेस्ट होना चाहिए था, अगर शुगर कोटेड टैबलेट है मीठा होना चाहिए था, इसका टेस्ट कैसा है। ऑर्डर सूंघ करके, इसमें ऐसा तो नहीं कि उसमें परफ्यूम की बहुत बदबू आ रही है या उसमें किसी भी ड्रग की स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आनी चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड वैसा होना चाहिए, और इस बोतल से टच करके देखें उसको रफ तो नहीं है, खुरदुरा तो नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टी जो हम चेक करते हैं इसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं कि इन द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी वी स्टडी द टैबलेट्स कलर टेस्ट ऑर्डर एंड स्मूथनेस एज पर दियर स्टैंडर्ड टैबलेट्स। दो लाइन लिखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस नंबर फोर। अब कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है कि कैसे ये होता है, जैसे ही आपकी टैबलेट बनेगी तो आपको अपने टैबलेट में से 20 टैबलेट का पाउच बना करके, यानी इस तरह से पॉलीथीन पाउच बना करके जिसमें 20 टैबलेट भरा होगा, वो 20 टैबलेट का पाउच बना करके आपको क्यूसी में भेजना होता है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। जब तक क्यूसी वाले आपको अप्रूवल रिपोर्ट नहीं देंगे, जब तक आपको फाइनल रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक आप इसको कंप्रेशन से, आप कोटिंग का इसको टैबलेट को आप बाहर मार्केट में नहीं भेज सकते। तो इसमें क्या होता है कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का नाम से आपको लग रहा है कंटेंट मतलब मात्रा, और यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि एक बराबर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो बराबर। जैसे मैंने आपसे कहूं कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को मुझे कुछ मिठाई या समोसा बांटना है, तो ये नहीं होना चाहिए किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 1 मिले, किसी को ना मिले, सबको बराबर मिले, दिस इज कॉल्ड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो टैबलेट के सेस में क्या होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या करते हैं कि 20 टैबलेट्स लेते हैं, 20 टैबलेट्स लेते हैं, इसका सिंपल सा रूल है जो आप क्यूसी में काम करेंगे। ठीक है, तीन मैं कम लिख रहा हूं, तो सभी टैबलेट में नंबरिंग की जाती है, 200 टैबलेट में 1 से लेकर 20 तक की नंबरिंग की जाती है, पहला प्रोसेस तो ये है। 20 तक नंबरिंग करने के बाद सभी टैबलेट्स के साथ क्या करते हैं, इसका ड्रग एसे करते हैं। ड्रग एसे मतलब कि जो आपने कभी एनालिसिस किया होगा, ये पता करना कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग इसमें अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हमारा टैबलेट बना है सोलबुटामोल सल्फेट का, अब सोलबुटामोल सल्फेट का जो डोज है वो 2 मिलीग्राम का टैबलेट, मान लीजिए हमने सोलबुटामोल सल्फेट की 2 मिलीग्राम की बनाई टैबलेट्स। अब उन टैबलेट्स को 200 टैबलेट को हम रैंडमली निकालेंगे, 200 की नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे उसको टेस्ट करेंगे, तो देखेंगे कि सब में कितना आ रहा है। मान लीजिए इसमें हमने कहा कि हमने कह दिया कि 2 mg है तो 0.19 है, तो यहाँ 0.18 है, तो 0.25 है, वाला ऐसे करते 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 थोड़ा थोड़ा सब में वेरिएशन तो रहेगा ही, कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मतलब सही है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि सर भाई होना तो चाहिए कि सर में 2 2 2 2 2 2 आए, लेकिन ये सब में 2 2 नहीं आएगा, कुछ कम ज्यादा आ सकता है। तो कितना कम ज्यादा चलेगा, तो देखा जाए तो ये माना जाता है कि प्लस माइनस 10% का वेट वेरिएशन, मतलब परसेंटेज का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चलेगा। कब? जब टैबलेट का साइज आपका छोटा है, टैबलेट साइज 2 मिलीग्राम का है, थोड़ा सा टैबलेट साइज बड़ा होता जैसे 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम का है तो ये 7.5 हो जाता है, 500 का होता तो ये 5% हो जाता है, प्लस माइनस 5%। तो ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि टैबलेट हमारा 2% में, अगर मैंने कहा प्लस माइनस 10% है, तो 2 मिलीग्राम का आपको पता है कि 10% कितना होगा, 0.2 होगा, यानी अगर ये टैबलेट 2.02 या माइनस में चले जाओ तो 1.8 इतने रेंज में है तो टैबलेट हमारी पास है, और इस रेंज से ऊपर चली जाएगी तो टैबलेट हमारी फेल, यानी किसी में ड्रग बहुत ज्यादा और किसी में ड्रग बहुत कम। तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जब लैब में टाइट्रेशन के द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा या अलग अलग इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा हम ये पता करते हैं कि एक्चुअल में हमारे ड्रग के अंदर जो एपीआई है, जो भी ड्रग में एक्सिपिएंट होता है, एपीआई होता है, तो एपीआई का जो एक्चुअल कंटेंट है वो कितना परसेंट है।
दिस इज कॉल्ड ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 20 टैबलेट सैंपल इज सेंड टू द क्यूसी एंड द क्यूसी पर्सन परफॉर्म द ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ठीक है, दे डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ एपीआई प्रेजेंट इन द ड्रग इन द मेडिसिन, ठीक है, बाय द टाइट्रेशन एंड एसे मेथड्स एंड द रेंज ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट बी लेस और मोर देन प्लस माइनस 10%, इससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। इफ द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इज वेरीज बियॉन्ड दिस रेंज देन द टैबलेट इज फेल। ठीक है, टैबलेट इज फेल, उसको फिर से बनाना पड़ेगा एंड इफ इट इज द विद इन द रेंज देन टैबलेट इज पास। क्या करेंगे, टैबलेट को पास कर देंगे और ये हमारा है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अगला हमारी बात करते हैं, एक आता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब, इसमें दो चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट पांचवा है, इसी में ये दोनों वर्ड आते हैं। इसको 5 का ए मान लो और इसको 5 का बी मान लो। देखो छोड़ो, इसको इसके नीचे लिख लेना आप लोग। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में दो चीज आती है, थिकनेस और हार्डनेस। तो 5 का ए थिकनेस और 5 का बी हार्डनेस। थोड़ा डस्टर देना, तो इसको इरेज करके फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, यानी कितना मजबूत है, कैसा है, उसमें हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे सबसे पहला इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, यही टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब बात एक ही है। इसमें क्या होता है हमारे पास, देखिए अगर हम इसको कह सकते हैं कि एक पहला टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट, हम अलग अलग बताएंगे, तीनों टेस्ट बताएंगे एक साथ। व्हाट इज द हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो तरह की मशीनें होती हैं जो टैबलेट को हार्डनेस को चेक करती है, एक होता है मोनसेटो और एक होता है फाइजर। ठीक है, फाइजर का एक होता है मोनसेटो होता है फाइजर होता है। उसमें क्या होता है, आपने कभी इसको देखा होगा, आपने कभी कॉलेज में तो जा ही नहीं रहे, आप लोग कॉलेज जाते तो आप लोग देखते हैं, इसमें काम करते कुछ इस तरह से, इसमें क्या होता है कि यहां पे वेट बना होता है कि आपका टैबलेट कितना ज्यादा प्रेशर या जितना ज्यादा मजबूती झेल सकता है। ठीक है, इसको कैसे समझते, मान लीजिए आप कोई प्लास्टिक कुर्सी ले आइए छोटी सी, उस कुर्सी पे खड़े हो जाइए, एक छोटे बच्चे को खड़ा करिए, फिर एक बड़े बच्चे को खड़ा करिए, फिर एक और बड़े बच्चे को खड़ा करिए, कब टूट रहा है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना ज्यादा वेट को बियर कर सकता है। उसी तरह से टैबलेट कितने वेट को बियर कर सकता है, कितना झेल सकता है, ये उसकी हार्डनेस टेस्ट कहलाती है। तो ये क्या होता है मोनसेटो में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस टैबलेट को प्लेस करते हैं, जिस टैबलेट का हमको टेस्टिंग करना है उसको इस शेप में यहाँ पे प्लेस करते हैं, यानी दोनों के बीच फंसाते हैं और फंसाने के बाद इस मोनसेटो को इस तरह से कसना शुरू करते हैं। जब इसमें हम कसेंगे तो ये जो रीडिंग बनी है ना, ये रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती है। मान लीजिए पहले जीरो था यहाँ पे, फिर और कसोगे तो एक आ जाएगा, और कसोगे तो दो आ जाएगा, और कसोगे तो तीन, से बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब आपकी टैबलेट टूट जाए, पहले टूटेगी, कसते 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 टूट जाए, तो टूटने के बाद हमको यहाँ पर रीडिंग, मान लीजिए रीडिंग आ गया 5, तो हम ये मानेंगे कि जो इस टैबलेट की हार्डनेस है वो 5 kg है। ठीक है, कितना है 5 kg है। तो अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो बीपीआर हमको मिला है, जो टैबलेट पहले उसको पहले से लिखा है कितना होना चाहिए, मान लीजिए इसको होना चाहिए 8 और आपका आ रहा है 5, मतलब आपकी टैबलेट हार्डनेस सही है, और उसमें आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है 7-8 और उसमें भी 8 लिखा है, मतलब आपका टैबलेट हार्डनेस ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड हो गया 10-11 आ रहा है, मतलब टैबलेट इतनी खराब है कि ये पेट में जाकर टूटेगी नहीं, ये भी हमारा फेल है। तो हार्डनेस टेस्टिंग में एक ये टेस्ट होता है, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो सरौते की तरह होता है, स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, उसमें सरौते की तरह इस तरह से बने होते हैं दो पार्ट ऐसे, और यहाँ पे मीटर लगा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, सरौते की तरह होता है और टैबलेट को यहाँ बीच में प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद इसको कसके दबाते हैं, और जब दबाते हैं तो टैबलेट टूट जाता है, और जब टूटता है तो वो रीडिंग यहाँ पे आ जाती है। जैसे यहाँ पे रीडिंग आती है तो हम जान लेते हैं कि हमारा टैबलेट का हार्डनेस है। ये सब आप लोग लैब में काम करते, अगर आपकी क्लास चल रही होती तो, क्लास नहीं चल रही इसलिए आपकी लैब में काम नहीं कर पा रहे, तो ये हार्डनेस टेस्टिंग है। ठीक है, तो हार्डनेस टेस्टिंग क्या होता है कि हार्डनेस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टैबलेट, दैट हाउ मच प्रेशर एंड हाउ मच स्ट्रेंथ इट कैन बी बेयर। ठीक है, इट इज यूजली मेजर्ड विद द मोनस्टेरो एंड फाइजर अपरेटस, दो होते हैं, मोनस्टेरो होता है, फाइजर ये होता है, इनसे क्या करते हैं कि हम लोग अपरेटर, इसके जो हेल्प से हम टैबलेट की हार्डनेस को चेक करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज टेकन इन द केजी, हमेशा कितने लेते हैं किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, इसका डिटेल आपको दिख जाएगा थोड़ा सा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको पता है, एक हमारा जो टैबलेट है वो हमारा क्या है, पाउडर का ग्रेनुल्स था और ग्रेनुल्स क्या बन गया, टैबलेट। तो
तो जब हम लोग टैबलेट को कभी 2 साल की एक्सपायरी के दौरान वो एक जगह तो नहीं रहेगा, वो वहां से अपने पहले कंपनी से जाएगा होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास, फिर डॉक्टर के पास, वो इतना घूमेगा और ट्रक से उसकी यात्रा होगी तो हिलते डुलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने टैबलेट बनाया है वो झड़ रहा है, उसका पाउडर झड़ रहा है, और जब पाउडर झड़ेगा धीरे धीरे टूट गया, सरफेस खुरदरा हो जाएगा और उसका वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या हमारा टैबलेट झड़ तो नहीं रहा है, इसकी पाउडर निकल तो नहीं रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रायबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो फ्रायबिलिटी टेस्ट आपके सामने दिख रहा होगा, वो कैसा होता है देखें, उसमें एक बड़ा सा ऐसे गोला होता है, एक ऐसे गोला होता है, यहाँ पे इस तरह से सिस्टम बना होता है और यहाँ पे एक कैप बना होता है, और ये क्या करता है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक रॉड पे बेस्ड होता है और वो क्या करता है, घूमता रहता है। एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा होता है, आप कॉलेज में नहीं देख पाओगे आप लोग, एक बड़ा सा डिब्बा होता है प्लास्टिक का, यूट्यूब पे डालना वीडियोस दिख जाएंगी, वो क्या करता है, घूमता है। हम क्या करते हैं कि 20 टैबलेट, हमेशा 20 टैबलेट ही लेते हैं टेस्टिंग के लिए, 20 टैबलेट पहले लेते हैं और इस 20 टैबलेट का वेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं क्या, इनिशियल वेट। माना कि 20 टैबलेट का वेट हमने माना कि 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी है, हमने इनिशियल वेट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहां से हम ढक्कन खोलते हैं और सारे 20 टैबलेट को इस डिब्बे के अंदर, इस प्लास्टिक के अंदर भर देते हैं और मशीन को चालू करते हैं। और जीपैड का ध्यान देना बहुत खास क्वेश्चन है, स्पीड कितना होना चाहिए, रोटेशन होता है 25 आरपीएम, कितना होता है 25, और आपको चलाना कितनी देर के लिए होता है, 4 मिनट के लिए, कितनी देर के लिए, तो कुल कितनी बार घूमा, जब 1 मिनट में 25 बार घूम रहा है, 4 मिनट घूमेगा 100 बार, 25 को 100, यानी इस मशीन को 100 बार हमको घुमाना है। रोटेशन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 25 आरपीएम, ये ऑलरेडी फिक्स होती है, इसमें आपको सेट नहीं करना पड़ता, ये मशीन ऑलरेडी फिक्स होती है। अब क्या हुआ, आपने चला के मशीन को 4 मिनट के लिए छोड़ दिया, अब ऐसे 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 घूम रहा है, ऐसे फिर ऐसे घूम रहा है, जब घूमेगा तो टैबलेट दीवार से लड़ेगा, आपस में लड़ेगा, फिर लड़ेगा, पीटेगा, तो कुछ ना कुछ पाउडर उसका झड़ेगा। अब इसका पूरा झड़ने के बाद 4 मिनट बाद उसको रोकिए, ये निकालिए और सारा टैबलेट निकालिए, पाउडर से पड़ा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो आपका स्टार्टिंग में आया था वो था इनिशियल वेट, अब जो आएगा वो क्या है, फाइनल वेट, और इनिशियल वेट गुणते अपान फाइनल वेट इनटू 100, दिस कॉल्ड फ्रायबिलिटी टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एफटी, एफटी मतलब फ्रायबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या, इतना वेट करने के बाद हम निकाल लेते हैं और हम ये जान लेते हैं कि टैबलेट कितना परसेंट झड़ रहा है, ठीक है, और ये जो रेंज होना चाहिए वो कभी भी 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5% नहीं होना चाहिए। अगर 5% ज्यादा है, ज्यादा झड़ रहा है, मान लीजिए आपने 2 ग्राम टैबलेट लिया था और 2 ग्राम का 5% कितना हो, 2000 का 5% कितना होगा, करीब आपको 500 मिलेगा, तो अगर उससे झड़ रहा है, मतलब 1000 मिलेगा, अगर वो झड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा टैबलेट सही नहीं, और अगर नहीं है, कम है, मतलब ये टैबलेट पास है, इसको आगे बढ़ा दो, मार्केट भेज दो, बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फ्रायबिलिटी टेस्ट है। तो फ्रायबिलिटी टेस्ट क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इसको रोटेट करके इसकी फ्रायबिलिटी को चेक करते हैं, इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, इसको आप वहां से नोट कर लीजिएगा। बाकी थिकनेस एंड डायमीटर की हम बात करें अगर, तो थिकनेस और डायमीटर के लिए आपने पढ़ा था, अगला टॉपिक हमारा है थिकनेस एंड डायमीटर। डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, थिकनेस में आपने एक चीज आपने देखा होगा कभी, आपने शायद आप उसको, आप नाम आप उसका याद आ जाए आपको, इसे कुछ नाम याद आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग्स बनी होती है और इस वर्नियर कैलिपर्स के बीच में हम क्या रखते हैं, टैबलेट, और टैबलेट रख के हम नाप लेते हैं कि उसकी थिकनेस कितनी है। तो एक्चुअल में इसको रखते कैसे हैं, इसको बेड़ा साइड रखते हैं, इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि टैबलेट की थिकनेस कितनी है, थिकनेस को नापते किससे हैं, डायमीटर किससे नापते हैं, वर्नियर कैलिपर। थिकनेस अगर ज्यादा हो जाएगी, इसको समझिए, अगर थिकनेस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हार्डनेस कम है, टैबलेट सही से कंप्रेस नहीं हुआ, कंप्रेस कम होगा तो मोटा हो जाएगा, मतलब हार्ड, तो थिकनेस अगर ज्यादा है तो मतलब हार्डनेस कम, और अगर थिकनेस बहुत कम है तो मतलब हार्डनेस बहुत ज्यादा। तो थिकनेस और हार्डनेस को हमेशा कंपेयर करते रहना चाहिए, मिलाते रहना चाहिए। सिर्फ आप लोग कभी इंडस्ट्री में जॉब करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, मुझे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे कैसे चेक करना है, तो वहां पे आप इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो थिकनेस और डायमीटर हो गया, हार्डनेस क्रशिंग स्ट्रेंथ में ऑलरेडी बता चुका हूँ मोस्ट फाइजर केस में। अब आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है थोड़ा सा, कि व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। आपको स्क्रीन पे ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर एक्चुअल में कृष्णा का है जो मेरे साथ है, आजकल वो नोट्स वगैरह यही प्रिपेयर करते हैं,
अगर आपको किसी टॉपिक में नोट्स से कोई दिक्कत है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, ही विल कम्युनिकेट टू अस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीटी कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को डीटी कहते हैं। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? देखिए, आपको पता है कि टैबलेट हमारी बॉडी में असर कब करेगी। जब हम टैबलेट खाएंगे, टैबलेट हमारे गैस्ट्रिक सेल में जाएगा, वहां पर टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होगा तो डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा तो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाएगा तो रिसेप्टर पे जाएगा, तो जाकर एक्शन देगा। यानी अगर टैबलेट पेट में जाकर टूटे ही ना, आपने हार्डनेस इतनी ज्यादा कर दी है पत्थर की तरह, तो टूट ही नहीं रहा है, तो इस केस में इतनी दवा हमारे बॉडी में असर नहीं करेगा। और अगर धीरे धीरे टूट रहा है, देर में टूट रहा है, तो ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बहुत धीरे आएगा। पता चला दवा खाया सवेरे, संध्या शुरू हुआ उसका असर, इतना हार्ड होना टैबलेट, तो कितना हार्ड होना चाहिए डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो डिसाइड करता है। तो अब डिसइंटीग्रेशन टाइम को निकालते कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक होता है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, एक होता है डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। उसमें क्या होता है कि इसमें एक बड़ा सा चैम्बर बना होता है ग्लास का, जिसको आपको खोलना होता है, और इस तरह से इसमें बने होते हैं बास्केट, और उस बास्केट में क्या होते हैं अलग अलग टैबलेट हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये जो हमारा बास्केट बना होता है और ये इस तरह से आगे जुड़ जाता है, यहाँ पे एक रोल लगा होता है। इसमें क्या होता है कि हम इस पूरे बास्केट में सबसे पहले इस चैम्बर में पानी भरते हैं। क्या भरते हैं? वाटर भरते हैं। और यहाँ पे कंट्रोलर बना होता है, स्पीड बना होता है, और यहाँ पे हम 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस डिसइंटीग्रेशन अपरेटस में इसके अंदर पानी जो भरते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कितना? 37 डिग्री। क्यों 37? क्योंकि हमारे बॉडी में कितना टेम्परेचर? 37। तो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से स्टडी करना है हमको, क्योंकि टैबलेट जो है टूटेगी, हुआ टूटेगी नहीं, टूटेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे स्प्रिट सेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे 6 टैबलेट लेते हैं। जब भी हमको डिसइंटीग्रेशन करना होता है, हम 6 टैबलेट लेते हैं, और 6 टैबलेट में नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन टैबलेट्स को इन चैम्बर्स के अंदर, जो आपको ये चैम्बर दिख रहा है, इसमें टैबलेट खाने वाले होते हैं, 6 चैम्बर में अलग अलग ट्रांसपेरेंट होता है, ये दिखता है दूर से, बाहर से दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें 6 टैबलेट को डालते हैं, और डाल के इस चैम्बर को इसके नीचे डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। और डालने के बाद यहाँ पे टाइमर लगा होता है जो 0.1, 2, 3 सेकेंड दिखाएगा, और यहाँ से हम मशीन को स्विच ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे से गिरता रहता है। और हम क्या देखेंगे, जब ऊपर नीचे गिरेगा और पानी के अंदर ये टैबलेट जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट टूटना शुरू हो जाएंगे, पानी के अंदर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट टूटना शुरू हो जाएंगे। और 6 में से कोई सा भी एक टैबलेट जो जैसे ही टूट जाए, वैसे लगभग सारे टैबलेट साथ में टूटते हैं, जब कोई एक टैबलेट सडन बीच में से टूट जाएगा तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसको मशीन को बंद कर देंगे। और हमने देखा कि टाइम कितना, मान लीजिए हमने नोट किया, दिस इज द, हमने माना कि ये हमारा है 65 सेकेंड, तो हम ये कह देंगे कि इस टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम हो कितना है 65। कभी कभी 1 मिनट लगेगा, कभी 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो कितना टाइम है वो ही कहलाता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि एनी टैबलेट डिजॉल्व व्हेन एनी टैबलेट इज पिक्ड इनसाइड द या पोर इनसाइड द हॉट वाटर इन डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, देन द टाइम ड्यूरेशन इन विच द टैबलेट इज डिसइंटीग्रेटेड, दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेटेड टाइम। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? अब क्या होता है, ये सब के लिए अलग अलग है। डिसइंटीग्रेशन टाइम अगर ज्यादा होगा तो टैबलेट आपकी जल्दी टूटेगी नहीं, कम होगा तो जल्दी टूटेगी और जल्दी एक्शन करेगी। तो देखिए, टैबलेट की बात करें, जो टैबलेट हमारे अनकोटेड होते हैं, अनकोटेड मतलब इसमें कोई भी कोटिंग नहीं है, वो हमारा 0 से लेकर 30 सेकेंड के बीच में डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा समय ले रहा है मतलब टैबलेट हमारी फिल्म, अगर हमारी टैबलेट फिल्म कोटेड है, यानी इस पे फिल्म कोटेड है, तो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में, यानी 60 सेकंड के बीच में उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए। अगर इस पे नहीं हो रहा है तो मतलब वो खराब है। ठीक है, 30 सेकंड से 1 मिनट। अगर वो हमारा शुगर कोटेड है, सॉरी इंटेरिक कोटेड है, तो इंटेरिक कोटेड के केस में ये हमारा 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में होना चाहिए। और अगर ये शुगर कोटेड है तो ये 15 से लेकर 30 मिनट के बीच इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर 30 मिनट में भी डिजॉल्व नहीं हो रहा है, डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा टैबलेट क्या है, फेल। तो सभी के लिए अपना अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम का रेंज बनाया गया है कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो ये था डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी चीजें आप खुद देख लेंगे। बाकी बात करते हैं लास्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट थोड़ा सा
थोड़ा सा इसी तरह से होता है, लेकिन उस मशीन में बेसिकली क्या होते हैं फ्रेंड, नौ खाने होते हैं। उस मशीन में बड़े बड़े नौ खाने होते हैं और सभी नौ खानों में 900 ml पानी भरा जाता है। 900 ml क्या भरते हैं? पानी। और 900 ml पानी भरने के बाद इसके अंदर क्या होता है, एक पैडल लगा होता है इस तरह से, या इस तरह लगा होगा या ऐसे लगा होता है, इसको पैडल बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। एक होता है पैडल टाइप होता है, एक बास्केट टाइप होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बास्केट। ठीक है, तो हमारा जो डिसोल्यूशन अपैरेटस होता है वो दो तरीके होता है, एक पैडल टाइप एक बास्केट टाइप। पैडल टाइप में क्या होता है, इस तरह पहिए बने होते हैं जो घूमते हैं, तो जो पानी के अंदर घूमेगा तो पानी क्या होगा, जैसे आप लोग माठा नहीं मारते मथनी से, वो घूमेगा। और बास्केट टाइप क्या होता है, ऊपर नीचे से होता रहेगा, इस बास्केट का टैबलेट को भर देते हैं। तो क्या होता है डिसोल्यूशन टेस्ट में फ्रेंड्स, कि हम सारे नौ चैम्बर के अंदर सॉल्वेंट भरते हैं, टेम्परेचर बनाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, और सभी नौ टैबलेट क्या करते हैं, इस टैबलेट भर देते हैं। और टैबलेट भरने के बाद हम चालू कर देते हैं, ये बास्केट या पेडल जो भी है वो ऐसे ऊपर मशीन होता है वो ऐसे नीचे आएगा, और ये बास्केट पेडल इस चैम्बर के अंदर घुस जाएगा, और ऑन करेंगे तो ये घूमना ऐसे 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 शुरू कर देगा। जब घूमेगा तो वो टैबलेट जो है उस पानी के अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में, पहले हमने लिया 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट बाद क्या करेंगे हम, सभी में से हम लोग क्या करेंगे, 10-10 ml सैंपल निकालेंगे, सभी में से 10-10 ml सैंपल निकाल लिख देंगे, सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 सैंपल निकालेंगे, और सैंपल निकालने के बाद 10 ml जो फ्रेश सॉल्वेंट है इसके अंदर फिर से डाल देंगे, और उस 10 ml को ले जाकर क्या करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कंसंट्रेशन कितना, मान लो 0.2 आया, 0.3 आया, 0.12 आया, ऐसे टेस्टिंग अलग अलग देखेंगे। फिर अगले 15 मिनट के बाद फिर हम सैंपल 10 ml निकालेंगे, अब उसको फिर यूवी मिल जाए तो कंसंट्रेशन कुछ बढ़ेगा ना, क्योंकि धीरे धीरे टैबलेट डिजॉल्व हो रही है तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उस तरह से फिर 30 मिनट बाद हम देखेंगे तो कंसंट्रेशन 0.4 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर 10 ml सॉल्यूशन डालेंगे। ऐसे करते करते करीब हम लोग इसको 5-6 घंटे के लिए करते हैं ये काम। जब भी आप मशीन लैब में काम करेंगे, लैब में इस साल आप लोग कुछ नहीं पा रहे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो डिसोल्यूशन टेस्ट से क्या मालूम चलता है कि टैबलेट का जो रिलीज रेट है, जो ड्रग का रिलीज रेट है, इसको जब बाद में आप इसको ग्राफ बनाएंगे, जब आप इसको बाद में ग्राफ बनाएंगे टाइम होकर, तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ आएगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसके ड्रग का कंटेंट पानी में बढ़ रहा है, मतलब कि ड्रग ज्यादा रिलीज हो रही है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन टेस्ट में हम ड्रग रिलीज के बारे में बात करते हैं कि ड्रग रिलीज कैसा होता है। तो बहुत अधिक जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप इसको लैब में काम करोगे, ठीक है। तो उसके केस में हम आपको बताएंगे कैसा होता है। बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत फटिंग हो रहा है, इसलिए इस क्लास कंटिन्यू नहीं करते, ये हमारा एक तरह से खत्म, यूनिट 2 इंडस्ट्रियल फार्मेसी खत्म हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि है कैप्सूल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।